नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गईं। पार्टी क़यादत ने लाहौर हाईकोर्ट से हिफाजती जमानत और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रिव्यू अपील का फैसला कर लिया। बैरून मुल्क मौजूद तमाम रहनुमाओं को फौरी वतन वापस बुला लिया गया। मरियम नवाज भी लंदन से रवाना हो गईं। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क की तरक्की का सफर शुरू होगा। कारकुनों को जश्न की तैयारी का कह दिया है। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम वालेहाना तारीखी इस्तकबाल है। प्लान तैयार, मतवाले बेकरार, सबको 21 अक्टूबर का इंतजार। नवाज शरीफ की नई सियासी इनिंग, फाइनल कर ली गई वापसी की प्लानिंग, सियासी महाज कर्म, कानूनी जंग की भी तैयारी मुकम्मल। पहले लाहौर हाईकोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त की जाएगी। अगले मरहले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सरेंडर और अपील दायर होगी। पार्टी क़यादत की हिदायत पर बैरून मुल्क रहनुमाओं ने वापसी की फ्लाइट पकड़ ली। मरियम नवाज भी लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई। साबिक रुकन असेंबली हों या टिकट होल्डर्स, कोई 21 अक्टूबर तक बाहर नहीं जाएगा। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क की तरक्की का सफर शुरू होगा। कारकुनों को जश्न की तैयारी का कह दिया है। इंशाअल्लाह उसी सफर को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में करोड़ों भाइयों और बहनों वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खताब करेंगे। मकामी क़यादत को 10 लाख अफराद जमा करने का टास्क दे दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।